कराची से लाहौर तक बारिशों का मौसम। कराची और लाहौर में मतला अबरालू उत्सरमई बादलों के डेरे। गुजरांवाला, गुजरात, दस्का समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सावन के बादल बरसने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। कल से 31 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, सिंध के बास मकामात और बलूचिस्तान में कहीं कहीं बरसात होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुजाकरात पर इत्तेफाक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान हुकूमती पेशकश पर कारकुनों को एतमाद में लेकर 11 बजे आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। मुजाकरात की कामयाबी पर रावलपिंडी के लियाकत बाग में जारी धरना खत्म कर दिया जाएगा। बातचीत नाकाम हुई तो कारकुनान दोबारा डी चौक की तरफ मार्च कर सकते हैं। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर कानून ने कबल इस वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, वक्त से पहले इंतखाबात ओपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हालात ऐसे नहीं। इंतखाबात 5 साल बाद अपनी मुकर्रा तारीख पर ही होंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के जंगजुआना रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, दूसरों पर इल्ज़ामात की बजाय भारतीय दीगर ममालिक में जारी अपनी दहशतगर्दी मुहिम पर गौर करे। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों की हिमायत की हर्जा सराय करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। रिपब्लिकन सेनेटर मार्को ने बिल पेश किया। चीन के बढ़ते असर रसूख पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निमटने के लिए भारत की मदद का वादा। बिल में भारत मुखालिफ इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज दी गई। बिल के मतन के मुताबिक टेक्नोलॉजी की मुंतकली में भारत के साथ जापान, इसराइल, कोरिया और नेटिव के शराकत दारों जैसे सलूक किया जाएगा। डेमोक्रेट पार्टी की मुमकिन सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की मकबूलियत बढ़ने लगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के ताजा तरीन सर्वे में हैरिस पर ट्रंप की बढ़तरी सिर्फ 2% रह गई। कैमला हैरिस को 47% और ट्रंप को 49% वोटर्स की हिमायत हासिल। जुलाई के शुरू में किए गए सर्वे में साबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन पर ट्रंप को 6 पॉइंट्स की बढ़तरी थी। अब खबर आपकी दस्तरस में हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक्वामी हालात से यकीन के साथ।